नागपुर शहर में चुनावी रंग दिखने लगा है। भाजपा के दक्षिण नागपुर के नगर सेवक सतीश होले ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की उपस्थिति में कांग्रेस में प्रवेश किया। नागपुर शहर में आगामी कुछ ही दिनों में नगरपालिका का चुनावी अखाड़ा भरने जा रहा है, जिससे शहर का वातावरण दंगल के रूप में बदल गया है। अब शहर में चुनावी रंग भी दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत दक्षिण नागपुर से हुई है। दक्षिण नागपुर स्थित सोमवारी क्वार्टर परिसर के भाजपा के नगर सेवक एवं पूर्व उप महापौर सतीश होले, इन्होंने मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की उपस्थिति में कांग्रेस में प्रवेश किया है। सोमवारी क्वार्टर के एक बगीचे को कांग्रेस के ज्येष्ठ नगर सेवक स्वर्गीय जयंत राव लूटे का नाम दिया गया है। इसी नामकरण कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, विधायक अभिजीत बंजारी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। इसी कार्यक्रम में सतीश होले, इन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया। होले के लिए ये घर नया नहीं है, होले पहले से ही कांग्रेसी थे। इसके बाद वे एक बार भाजपा के टिकट पर नगर सेवक चुनकर आए थे। फार मोठं अजून नागपूर शहरामध्ये आपल्याला खूप लोकांचा प्रवेश काँग्रेसमध्ये पाहायला मिळणार आहे। भाजपने जी काही आश्वासनं दिलेली होती ती आश्वासनं पूर्तता न करता उलट नागपूरकरांना अडचणी नागपूरकरांना आर्थिक बोजा बसवणं, ही जी काही प्रक्रिया गेल्या अनेक वर्ष महानगरपालिका नागपूरमध्ये बीजेपीच्या वतीनं झालेली आहे। मेट्रो, सिमेंट रस्ते ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या कर्ज रूपाने काढल्या गेल्या त्याचा बोजा या नागपूरकरांवर बसवण्याचं पाप बीजेपीने ठरवून केलेलं आहे आणि म्हणून आता हे लोकांना लक्षात आलेलं आहे। आणि जो सच्चा काँग्रेसी विचाराचा माणूस आहे तो माणूस आता पुन्हा काँग्रेसमध्ये यायला सुरुवात झाली, त्याची सतीश होलेपासून ही सुरुवात। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर।